जय हिंद साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल नीर 143 क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम नरेंद्र शर्मा की जितनी भी मुख्य रचनाएँ उनको कवर करेंगे ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो जो हमने ट्रिक के माध्यम से लाया, अगर उसको भी आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, उन ट्रिक्स को नहीं देखा है, तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को देखो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम से लेकर यूपी ट्रिपल एससी पेट और जितने भी एग्जाम्स होते हैं हिंदी रिलेटेड, जिसमें सब्जेक्ट आता है, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों ये रचनाएँ जो हिंदी यूपी बोर्ड में भी पूछी जाती हैं, इसीलिए हम ये सब ट्रिक के माध्यम से लाए हैं। अब दोस्तों, एक रचना के लिए कम से 20-25 रचना के लिए एक दोहा होता है, एक दोहा की एक कड़ी होती है दोस्तों, उससे 20-25 रचनाएं याद होती है, जिसको याद करने में उन 25 रचनाओं को घंटों लगेंगे और भूल भी जाएंगे, लेकिन ये ट्रिक के माध्यम से एक बार आप पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, देखते हैं नरेंद्र शर्मा की मुख्य रचनाएं ट्रिक के माध्यम से। कौन से राइटर है? नरेंद्र शर्मा। दोस्तों, इनकी ट्रिक क्या है, जैसा मैं बताता हूँ, सभी जितनी भी रचनाएं बता चुका हूँ उसमें ऑलमोस्ट फर्स्ट एंड लास्ट क्या ट्रिक ही सेम रचना ही रहती है, बट बीच में उसके पॉइंट से ट्रिक निकलती है, रचनाएं निकलती हैं। तो दोस्तों, देखते हैं ट्रिक क्या है इनकी। क्या है ट्रिक इनकी? सूल फूल कड़क प्रा प्लास। क्या है? सूल फूल कड़क प्रा प्लास, फिर रक्त अग्नि, रक्त अग्नि और ध्रुव उत्तर और क्या होगा? सुवर्णा। तो दोस्तों, जैसा मैं आपसे कहता हूं कि हम जितनी भी ट्रिक बताते हैं उसमें फर्स्ट एंड लास्ट रचनाएं होती, बाकी इसके अंदर से जितने पॉइंट्स होती हैं उतनी ट्रिक रचनाएं निकलती हैं ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों, तो इनकी क्या, इसको दोस्तों दोहे की तरह पढ़ना होता है, जैसे आप कहानियां पढ़ते हैं, कड़ी एक दोहा पढ़ लोगे, जैसे रामचरितमानस की जैसे रचनाएं पढ़ी जाती है, ऐसे ही दोस्तों इसको भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नरेंद्र शर्मा की रचनाएं हैं क्या, सूल फूल कर्णक प्राप्लास और रक्त अग्नि द्रो उत्तर सुवर्णा। क्या है? सूल फूल कर्णक प्राप्लास रक्त अग्नि द्रो उत्तर सुवर्णा। तो दोस्तों, आपको ये कैसे पढ़ना है? दोहे की तरह पढ़ना है, जैसे आप रामायण पढ़ते हैं या कहानियां पढ़ते हैं, जो गाने पढ़ते हैं, ऐसे ही पढ़ना है। आपको एक बार याद भी हो जाएगा, बहुत जल्दी समझ में आता है। दोस्तों, अगर एक बार आप समझ लिए जितनी 8-10 रचनाएं, इससे देखने भूलेंगे नहीं कभी। तो दोस्तों, देखते हैं कौन कौन से ट्रिक से कौन कौन सी रचनाएं निकाल रही है। तो दोस्तों, मैंने जैसे बताया सूल और फूल से इनकी सेम रचना रहेगी, सूल फूल, ये तो रचना सेम रहेगी। अब फिर आता है कर्णक प्राप्लास रक्त अग्नि द्रो उत्तर सुवर्णा। तो कर्णक, कर्णक से कर्ण निकलता है, कर्णक अलग हो जाएगा और का अलग हो जाए, तो कर्ण से इनकी रचना है क्या, एक इनकी रचना कर्ण फूल। कौन सी रचना है? कर्ण फूल। अब का से दोस्तों, का से इनकी एक रचना आती है, कौन सी? कदली वन। कौन सा? कदली वन। आपने कदली फलम पढ़ा होगा केला संस्कृत में, बट एक का से कदली वन है, कदली फलम नहीं, कदली वन है, ये ध्यान रखना। और प्राप्लास रक्त अग्नि द्रो उत्तर सुवर्णा। अब प्रा से क्या होती है इनकी दोस्तों, एक इनकी प्रा से रचना है, कौन सी होगी? प्रा से इनकी रचना है प्रवासी के गीत।
अब क्या इनकी रचना है? प्लास, प्रा प्लास। तो इनकी दोस्तों एक रचना है क्या? प्लास से इनकी एक रचना आती है, कौन सी? जिसने पढ़ा होगा अगर रचना इनकी एक बार भी देखी भी होगी तो उसको याद होगा प्लास से कौन सी रचना है, जिसने देखा नहीं उसको नहीं याद है। तो प्लास से इनकी एक रचना है प्लास वन। कौन सी रचना है? प्लास वन। अब रहा क्या है? रक्त। तो दोस्तों इनकी रक्त से एक रचना है, कौन सी? रक्त से इनकी रचना होती है एक रक्त चंदन, रक्त चंदन। अब अग्नि, तो दोस्तों इनकी अग्नि से एक रचना आती है, कौन सी है अग्नि से? तो दोस्तों इनकी अग्नि से रचना है अग्नि सस्य, अग्नि सस्य। अब द्रो उत्तर सुमरणा, अब द्रो से इनकी एक रचना होती है, द्रो से कौन सी है? द्रौपदी, द्रौपदी। अब उत्तर, उत्तर उत्तर से भी इनकी एक रचना होती है, कौन सी है? उत्तर से दोस्तों इनकी रचना है उत्तर जय। कौन सी रचना है? उत्तर जय। अब सुमरणा, सुवर्णा तो जैसा हमने बताया कि फर्स्ट एंड लास्ट रचनाएं ही होती हैं, उससे ट्रिक नहीं निकालते हैं हम लोग, केवल फर्स्ट एंड लास्ट जिससे आपको याद रहे। सूल गुण कर्णक प्रप्रास रक्त अग्नि और द्रोत्तर सुवर्णा, सुवर्णा सुवर्णा। तो दोस्तों फिर से एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ट्रिक को आप समझना है, रटना नहीं पहले। और इसको याद करने के लिए मैंने बताया था कि पहले आपको क्या करना है, पहले एक बार इसको पढ़ना है, सूल फूल कर्णक प्रप्लास रक्त अग्नि द्रो उत्तर सुवर्णा, ऐसे पढ़ेंगे इसको। फिर क्या करना है? फिर आपको ऐसे नहीं ठीक करना, फिर आपको क्या करना है? सूल फूल एक रचना हो गई, फिर कर्ण फूल, फिर करली वन, फिर प्रवासी के गीत, फिर प्लास वन, फिर ऐसी सारे रचनाएं एक बार दो तीन बार देख लेनी है। फिर उसके बाद देख क्या करना है? सूल फूल, सूल फूल से इनकी रचना है सूल फूल बनती, कर से कर्णफल, का से कदलीवन, प्रा से क्या आपने बताया? प्रवासी के गीत, और प्लास प्लास वन, रक्त से रक्त चंदन, अग्नि से अग्नि सस्य, द्रो से द्रौपदी, उत्तर से उत्तर जय, सुवर्णा से सुवर्णा। आपको ऐसे करना है, फिर क्या सूल से सूल फूल, ऐसे ही याद करना है इसको। दोस्तों दोहे की तरह पढ़ेंगे ये, जैसे ये एक रचना हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, फिर ये हो गई एक रचना, फिर अग्नि से हो गई, फिर द्रो उत्तर से एक रचना, फिर सुवर्णा तो एक रचना ही है। दोस्तों हमें लगता है आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। किसकी रचना है? नरेंद्र शर्मा। किसकी? नरेंद्र शर्मा। लास्ट में लिखा है लास्ट में, इसमें भी लास्ट में रा है, समझ रहे हो मेरी बात? नरेंद्र शर्मा, ये सा से शुरुआत है, सूल सा से शुरुआत है इसकी, और लास्ट में रा लगा हुआ है, इसमें भी रा लगा, ये भी आपको नरेंद्र शर्मा से रिलेटेड ट्रिक है मेरी। तो इसका मतलब शर्मा, फर्स्ट में सा, इसमें, इसमें भी सा है, और लास्ट में इसमें रा है, ये रा है इसमें, इसमें भी ये रा है लास्ट में, और सा है इसमें स्टार्टिंग में, इसमें भी सा। तो इसको ऐसे भी याद रखा जा सकता है कि नरेंद्र शर्मा की रचना सा से शुरू होगी और लास्ट में रा से समाप्त होगी। क्या है? सूल पुंड कर्णक प्रप्लास रक्त अग्नि द्रो उत्तर सुवर्णा। तो आपको समझ गए होंगे दोस्तों, ये एक बार देख लेंगे, भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपको नेम से भी पता चला नरेंद्र शर्मा की रचना है। हाँ शर्मा, सा उनके लास्ट में सा था, और स्टार्टिंग में सा था, लास्ट में रा था, ये आपको भी याद रहेगा, और बाकी ट्रिक तो आपके सामने पेश ही है। तो दोस्तों हमें लगता है आपको ये ट्रिक अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो।